इंसानों से बनता है, उनकी पर्सनालिटी से बनता है। और बप्पू, ये शहर तो बिना अपने बाशिंदों के बना ही नहीं होता। ओके ओके, क्लू टाइम। कहते हैं कि बिजनेस हो या शेयर मार्केट, यहाँ के इंसान का दिमाग एकदम रॉकेट। यहाँ का इंसान खुद आपको बताएगा कि वो एक चाय की दो बना के आपको पिलाएंगे और फिर भी आप मुस्कुराएंगे। बार्गेनिंग में इनसे बेहतर कोई नहीं। और ये दुनिया में इस कदर फैले हुए हैं कि अगर बीज बाजार जाके कंकर फेंको तो इन्हीं के आंगन में जाकर गिरेगा। कुछ समझे? वेलकम टू द लैंड ऑफ फाफड़ा, ढोकला और खांडवी, वेलकम टू द लैंड ऑफ गार्गो और साबरमती, वेलकम टू द लैंड ऑफ द छेल छबीलो गुजराती। अच्छा अहमदाबाद पूछू मलिश्का आने, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। बिजनेस सेंस की बात करें तो इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि गुजरातियों में वो कूट कूट कर भरा है। रिजल्ट, गुजरातियों का दुनिया भर में बोलबाला। पर इतनी दूर तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी प्लानिंग और थोड़ी सी श्रद्धा की जरूरत होती है। एटलीस्ट यहाँ अहमदाबाद में विदेश यात्रा का पहला स्टेप ये एक छोटा सा मंदिर है, सिद्धेश्वर चमत्कारिक हनुमान मंदिर। अहमदाबाद में बीजा टेम्पल के नाम से ज्यादा मशहूर है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर उन्हें इस मंदिर से आशीर्वाद मिल जाए तो उनका वीजा क्लियर हो जाएगा और वो उड़ चलेंगे विदेश, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। मैं अहमदाबाद के खाड़िया के वीजा ऑफिस में हूँ। अब आप बोलेंगे मलिश्का, ये तो मंदिर है। सही कहा आप लोगों ने, लेकिन ये अहमदाबाद का अनऑफिशियल लेकिन एकदम पावरफुल वीजा ऑफिस है। और यहाँ पर सिंदूर लगे हनुमान और यहाँ पर पूजा थाली के बजाय हाथ में पासपोर्ट लिए खड़े कुछ सज्जन जिनसे हम बात करेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए। तो हनुमान जी का ये मंदिर वीजा टेम्पल कैसे बना? कहानी कुछ ऐसी है कि करीब 20 साल पहले कुछ लोगों को वीजा मिलने में दिक्कत आई। उन्होंने यहाँ मन्नत मांगी और उनका काम हो गया। बस फिर क्या था, जिसने भी यहाँ वीजा के लिए प्रार्थना की उसका काम बन गया। तब से ये मंदिर ऐसा फेमस हुआ कि अब वीजा के लिए अप्लाई करने वाला हर अहमदाबादी पहले अपने पासपोर्ट की शक्ल यहाँ दिखाता है, फिर वीजा ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है। अब आप लोग मुझे खुद ही बताइए कि अहमदाबाद में कोई ऑफिशियल वीजा ऑफिस तो होगा ना, है कि नहीं? फिर भी आप लोग हनुमान जी को क्यों त्रास दे रहे? क्योंकि हनुमान जी के वहाँ पासपोर्ट का थप्पा लगा बिना तुम्हारे को वीजा नहीं मिलता है। H1B के लिए मैंने 10 साल पहले फाइल रखा था, फिर मेरा लास्ट ईयर फिर से US से कॉल आया कि यू जस्ट अप्लाई वंस अगेन, दे हैव कॉल्ड मी, आई हैव पुट द फाइल्स और मुराद 3 दिन में वीजा हो गया। श्रद्धा से माथा टेकना है बस। वीजा टेम्पल का चमत्कार तो देख लिया, भीड़ भाड़ हलचल से भरा एक मॉडर्न और तेजी से तरक्की करता शहर है। इसके बावजूद यहाँ के इतिहास की झलक जगह जगह दिखाई पड़ती है। यह है शहर के हाट में बसा एक 400 साल पुराना इलाका जो कि पोल्स कहलाता है। यहाँ आज भी लोग बिल्कुल उसी स्टाइल में रहते हैं जैसे कि 300-400 साल पहले रहते थे। Lots of nuclear families living together like one huge family.
इन जगहों को पोल कहते हैं और इस पोल की पोल खोलने के लिए मैं राहिल पटेल से मिलने वाली हूँ। राहिल पेशे से एक डिजाइनर है और इनका परिवार पोल्स के सबसे पुराने परिवारों में से एक है। राहिल, व्हाट इज दिस वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग? मुझे केमछो चाहिए। जय श्री कृष्ण। ओह सॉरी, इवन बेटर, जय श्री कृष्ण। राहिल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। लेकिन ये हम कहाँ मिल रहे हैं? हम लोग ये पोल हैं, अखा भगत चौक में खड़े हैं, एंड इज अ ग्रेट गुजराती पोएट अखा भगत। ये है आपका पोल? ये है हमारा पोल। मैं दुनिया को बता बता के आ रही हूँ तुम्हारे ग्रेट पोल के बारे में, बट टेल मी अबाउट इट। पोल की पोल तुम खोल दो, व्हाट इज अ पोल? एकदम खोल देते हैं आज। पोल एक ही समूह के कॉलोनी के लोग एक ही साथ रहे, उसको एक फैमिली टाइज के साथ उसको पोल बोला जाता है। अपने घर ले जाते हुए राहिल ने बताया कि यहाँ के मकान 200 से 400 साल पुराने हैं। यहाँ पर करीब 360 अलग अलग तरह के पोल हैं और हर एक पोल में एक ही घराने का परिवार रहता है। इंटरेस्टिंगली, इन पोल्स में कई तरह तरह के आर्किटेक्चुरल इन्फ्लुएंसेस दिखाई देते हैं। देखिए तो दिस इज माई हवेली। दिस इज योर? या। ये 400 साल पुरानी हवेली है मलिष्का। सीरियस? एंड अगर इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो आपको मेरी दादी माँ से मिलना पड़ेगा। शी इज 94। 94? यस। लेट्स डू दिस, प्लीज कम इन। बा मलिष्का जी। नमस्ते। तो राहिल, ये आपकी 94 इयर्स की ग्रैंडमा है जी। ओ शी सो क्यूट, बाय लागू दादी। मुझे इनसे बात करनी है, हिंदी नहीं बोलती? नहीं बोलती ये हिंदी। यू आर माय ट्रांसलेटर। दादी माँ नमस्ते। आप इस घर में कितने सालों से हैं? 14 वर्ष से हुआ आई थी। व्हेन शी वाज 14, 14 बरस की थी तब। हाँ, वो यहाँ आई थी 14 बरस की। आपकी शादी कब हुई थी? 7 वर्ष से। 7 years when she was 7, 7 वर्ष। बालिका वधु। हाँ, lovely। दादी, जेठा भाई शेठ जिनकी ये हवेली थी, मतलब आपके साथ पुश्तो पहले थे ना, उनके बारे में कुछ बताइए। जेठा भाई शेठ माते थोड़ू एमने को 94 साल की उम्र में भी बा को सब कुछ अच्छी तरह याद है, चाहे वो आजादी के पहले ब्रिटिशर्स की कहानी हो या फिर ये बात कि 400 साल पहले उनके पति के दादा जेठा भाई ने इस हवेली को बनवाया था। दादी माँ ने ये भी बताया कि जेठा भाई रेशम के व्यापारी थे और उनका कारोबार अफगानिस्तान से लेकर चीन और जापान तक फैला हुआ था। ओल्ड एंड इंटरनेशनल फैमिली बिजनेस। दादी माँ 94 years, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले आप गांधी जी से मिले हैं? गांधी जी थी तमें मरे छो? मरे जोई ना खड़ा, मैं पगिल लग गई, बातचीत ना करे। बट लाइक उन्होंने देखा है गांधी जी को, उनके चरण स्पर्श किए हैं, बट वन ऑन वन बातचीत नहीं। इन्हीं हाथों से चरण स्पर्श किए थे। थैंक यू दादी। वेल मलिष्का, अब हम लोग ऊपर जाएंगे। क्यों? कुछ बहुत अच्छी अच्छी 400 साल पुरानी मेरी फैमिली की चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपकी दादी से मिलकर मैं धन्य हो गई, बट आई डोंट माइंड। चलिए दादी, थैंक यू। टाटा। चलिए चलिए। राहिल, तुम्हारे इस कमरे में हर चीज एंशिएंट और बहुत कीमती लगती है। आई डोंट वांट टू मूव। तुम मुझे दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। वेल, मेरे एंसेस्टर्स ने काफी चीजें इकट्ठा की हुई है और उसको मैं भी संभाल रहा हूँ। वेल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये पुरानी पांदान है और इसकी रोल्स रॉयस। या, इट्स इन रोल्स रॉयस। एंड उसके अंदर देखो आप, यहाँ चूना रखने की जगह है, सॉफ है, तो वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, बहुत बढ़िया है। ये देखो कितने साल पुरानी है। ये कुछ अराउंड 150-200 साल पुरानी। और मेरे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे जेठा भाई शेठ, और उनके लिखे हुए लेटर्स हैं, तो ये लेटर एक्चुअली मेरे ग्रैंडपेरेंट्स, कुछ नहीं लिखा, एक्चुअली इसको डीकोड किया जाता था। उनकी सिग्नेचर देखो, जेठा भाई शेठ जी शहीद, बट ये पूरा हिडन लेटर है। Dude, so पता जेठा भाई शेठ ने तुम्हारे दीवारों में क्या क्या चुनवा के रखा है, कुछ करो यार।
ऑसम। एक बहुत बढ़िया सरप्राइज आपके लिए रखी है मैंने। हाँ? या क्या है? ओह माय गॉड, 400 साल पुरानी साड़ी मुझे दे रही है। ये 400 साल पुरानी नहीं, नहीं? है, ये नई है। क्या है? आज हम गाएंगे गरबे के लिए और ये आपको पहननी है वहाँ पे। ये सीरियस आते कि वो गरबा? Yes, I love गरबा। You will, you love। लागे लागे गरबा, केसरी और रंग तने लागे और लोल। जब कुत्ते पे ससा आया तब अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद शहर बसाया। सोचा कि अगर यहाँ का ससा इतना साहसी है तो सोचो इंसान कैसा होगा। सही सोचा, छह चबीला, साहसी, मेहमान को भगवान समझने वाला, एब्सोल्युटली बुद्धिमान अपना अहमदाबादी। और अहमदाबाद फुल ऑफ रिच कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड ओल्ड फैशन मज्जा तो गार्बो तो है ही ना।